फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे मुझे साइन अप किए हुए 4 साल का टाइम हो चुका है एंड 4 साल के अंदर मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है इस इंडस्ट्री से। जैसे कि पुराने टाइम में बात करूँ, पास्ट टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, जैसे फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, मैंने अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना है, या मैंने कुछ महंगी चीज़ खरीदनी है। तो बहुत टाइम ऐसा होता था, उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए एंड लगता था नहीं यार मैं वो नहीं खरीद सकता। आज की मैं बात करूँ डायरेक्शन इंडस्ट्री ने, जिस प्लेटफॉर्म पे आज तुम बैठे हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है ट्रेनिंग टाइम में, क्योंकि जब मेरा ट्रेनिंग था खुद का, मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे मैं खुद बैग उठा के भाग रहा था ट्रेनिंग से। क्यों? क्योंकि जब मैंने एंट्री किया, एंट्री करते ही मुझे क्राउड नज़र आया, बहुत सारा क्राउड था एंड मैं क्राउड को देख के डर रहा था, ये भीड़ में लोग क्या कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, मुझे खुद फील हो रहा था भी यार मैं किस इन्वायरमेंट में बैठा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, बहुत अच्छी स्टडी की होगी, कुछ अलग लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, जैसे कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरे लाइक प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे लाइक काम नहीं है। जैसे जब मेरा फर्स्ट टैगिंग थर्ड डे हुआ एंड धीरे धीरे मुझे पता चला ट्रेनिंग में क्या क्या करना है एंड स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट डे तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरा यहाँ पे काम क्या है कंपनी के अंदर, एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ भी किस तरीके से करना है, क्योंकि जो कंपनी के सिस्टम है वो डे बाई डे हमें सिखाए जा रहे थे। एंड फोर्थ डे मुझे पता चला इस बिजनेस के अंदर मैंने परचेज करना है, मैंने प्रोडक्ट को खरीदना है। एंड मैं अपने भाई को बोलने लगा जो मुझे लेके आया था, मैंने बोला यार मैं पैसे कमाने आया हूँ, पैसे लगाने नहीं आया हूँ। एंड उन्होंने बोला यार पैसा खराब नहीं होगा, मेरा खुद का प्रॉमिस है, हम दोनों मिलके काम करेंगे डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर। उस टाइम पे मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं, दुकान है उनकी करियाना की छोटी सी, और मेरी 7,500 सैलरी से मेरे पूरी फैमिली का जो पूरा चलता था सिस्टम। एंड आज की डेट में मैं बात करूँ, मैं इस बिजनेस से फाइनेंशियली रिटायर हो चुका हूँ बिल्कुल 100%। मेरी 24 साल एज है, 24 साल की एज में बाहर की लाइफ में आज की डेट में खुद सोचो कितने गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और आज की डेट में खुद सोचो एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी तुम्हें किस पोजिशन पर जाके काम मिलता है, खुद प्रैक्टिकल। यहाँ पर बहुत सारे लोग मास्टर डिग्री बैठे होंगे, MBA किया है, BTech किया है, MSc ID किया है, खुद कितने लोग यहाँ पे अच्छी स्टडी लेने के बावजूद भी यहाँ पे कॉपी लेके सीख रहे हैं पैसा कमाना कैसे है। देन इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में ब्रदर मुझे सिर्फ 4 साल हुए, 4 साल के अंदर यहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है 40 साल का पैसा 4 साल में कमाया जाता है, ये रियलिटी है, मैं खुद कमा रहा हूँ। बिलीव नहीं होता है, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे बैठा था ट्रेनिंग में, मुझे एक पर्सन क्लास देने आया था, यहाँ पे डायमंड ये बैच लगा हुआ था 41 का, मुझे सिखाया गया था यहाँ पे 41 रैंक होता है, उसका इनकम मंथली 1 से 3 लाख होता है, और मैं हंस रहा था। मैं हंस क्यों रहा था, क्योंकि मेरे ब्रदर ने बोला, वो सामने लड़का क्लास दे रहा है, यहाँ पे बाल भी नहीं थे, और उन्होंने बोला वो सामने एक लड़का क्लास दे रहा है, वो महीने का 1 लाख कमाता है। मैंने बोला यार बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं मिला हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है यार, मुझे दिखता है, अंधा नहीं हूँ मैं। एंड उन्होंने बोला वो 1 लाख कमाता है, मैंने बोला मैं कैसे मान लूँ 1 लाख कमाता है। एंड मैंने नहीं बिलीव किया यार, क्योंकि इतनी कम एज में कोई कैसे 1 लाख कमा सकता है इतना इजीली। और वो बोला ये ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार 2 से 2.5 घंटे काम करने के बाद बंदा 1 लाख कमा रहा है, ये किस प्लेटफॉर्म पर ले आया था मुझे। तो मैंने ट्रेनिंग कम्प्लीट किया एंड फर्स्ट डे मेरे पास सेम 41 का क्लास हुआ, और उन्होंने जब अपनी पासबुक मेरे सामने रखी और मैंने जितनी भी एंट्री देखी उसमें 1-1.5 लाख से कम नहीं थी। एंड आज मैं खुद की एंट्री को देखता हूँ, आज मेरे पास इतनी सारी पासबुकें हैं, मैं अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे रूम में है, और आज मैं खुद अपनी पासबुक को देखता हूँ जिस पासबुक में मेरा कोई भी एंट्री 1.5-3 लाख से 4 लाख से कम नहीं है। एंड पास्ट टाइम में मैं बात करूँ या 7,500 सैलरी, और आज की डेट में अभी मेरा 41 भी रैंक नहीं है, मेरा रैंक 42 है। एंड मैं क्योंकि इस जगह पे आपको बताया गया है एक 41 1 से 3 लाख कमाता है,
एंड 42 कितना कमाता है? 15 से 20 फिर एटलीस्ट इनकम ज्यादा है। अभी मेरा फर्स्ट इनकम इस मंथ आने वाला है, मैं पिछले मंथ ही प्रमोट हुआ हूँ ड्यूक, और इस मंथ जो मेरा इनकम आ रहा है वो भी 10 लाख के पास आ रहा है, 10 लाख। जो मैंने अचीव किया, मैंने घर बनाया गांव में, बहुत बड़ा घर बनाया मैंने गांव में। मेरे पास मेरे पापा को अभी गाड़ी गिफ्ट की है, क्रूज। मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है गाड़ी चलाना, क्रूज, मैंने अभी पापा को गिफ्ट की है। एक मेरे पास और गाड़ी है 20 एंड कंपनी से मुझे बुलेट भी मिला हुआ है। एंड स्टार्टिंग में मैं एक स्प्लेंडर बाइक लेके आया था कंपनी से, जब मैंने नया मैं 41 बना था तब मैं स्प्लेंडर बाइक लेके आया था। और अब कुछ टाइम के बाद मैं एक और गाड़ी लेके आने वाला हूँ, मेरा टारगेट है मर्सिडीज, वो मेरा कुछ टाइम के अंदर ही वो टारगेट भी कंप्लीट होने वाला है। एंड अभी मैं अपने पापा को, अपनी पूरी फैमिली को एक घर गिफ्ट कर रहा हूँ, नए वाला, नई सोसाइटी। ब्रदर, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, हवा में बातें की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि जब मैं खुद यहाँ पे बैठा था, मैंने भी खुद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं खुद मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर बहुत सारी ईगो है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था मैं लोगों को समझता था ये कुछ भी नहीं है एंड मुझे आता कुछ नहीं था, बट एक ईगो होती है, कुछ लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते, मानते ही नहीं हैं। क्योंकि जब मैं गांव से उठ कर आया था, 7,500 कमाने वाले पर्सन को जब पता चला वो 1 लाख कमा सकता है एंड मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जब बार बार मिरर में देखता था भी रियलिटी में हम 1 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि जिस एरिया से मैं उठ कर आया हूँ बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, उस एरिया के अंदर एजुकेशन भी नहीं है, हमें किसी ने कॉलेज टाइम में मतलब कि वो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं जो लोगों को मिलती हैं आज की डेट में। एडवांस पुराने टाइम पे कैसे हमने एडजस्टमेंट की है वो हमें पता है, उस टाइम को देखते हैं आज की टाइम डेट में तो बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ के अंदर। आज लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, आप लोग अच्छी स्टडी अच्छी एजुकेशन लेके आज पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। आज मेरे पास टाइम सबसे बड़ी जिसके पीछे हम भागते हैं टाइम, आज मेरे पास पूरा टाइम है, फुल टाइम है, मैं फ्री रहता हूँ सारा दिन, फ्रीडम, बहुत फ्रीडम है, मनी, बहुत मनी है। अब इस महीने 10 लाख आ रहा है, कितना उड़ा सकते हो 10 लाख में से? मेरी 24 साल एज है, अभी पिछले ईयर हमें थाईलैंड का टूर मिला था कंपनी से, अभी फिर हमने प्लान किया है थाईलैंड। अभी जितने भी न्यू 41 यहाँ पे बने 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, वो भी 41 सारे थाईलैंड जा रहे हैं। अभी पास नहीं हुआ टूर, 1-2 महीने के अंदर पता चल जाएगा सभी को कब थाईलैंड टूर की डेट है। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 रुपये में दिहाड़ी करते थे, जो गाड़ी वॉश करते थे या कुक का काम करते थे, आज की डेट में वो बंदे लाखों रुपया कमा रहे हैं यार, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ से तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें ये नहीं सिखाया जाएगा तुम जॉब कैसे करनी है, तुमने तुम 10 से 12 हज़ार कैसे कमा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें यही सिखाया जाएगा तुम लाखों कैसे कमा सकते हो। समझ आ रही है? ऑनलाइन yes! काम कर रहे हैं, हमारे ब्रांड है अर्थी सेंड एंड आईफाजोन, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ब्रदर, मैं खुद डायरेक्टली मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे नहीं लगता मेरी एज में कोई महीने का 10 लाख कमाने वाला है। आज मेरे पापा हैं, एक टाइम पे मेरे पापा मुझे खोटा सिक्का बोलते थे जब मैं बिजनेस में आया, उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मेरे पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं घर पे जाता था मैं ये बोल के आता था पापा मेरी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरी इनकम 1 लाख होगी। मेरे पापा बोलते थे बेटा किसको सिखा रहा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कहा मुझे पता है डैडी आप मेरे बाप हो एंड आप मेरी बातों पे बिलीव करो, एक दिन आएगा जिस दिन मैं 1 लाख कमा के घर पे आऊँगा। एंड मेरी फैमिली बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था ये बंदा खोटा सिक्का है, क्योंकि कुछ फैमिली वाले होते हैं जो रिलेशन में होते हैं वो फॉलो करने वाले होते हैं फैमिली को भी, तुम्हारा लड़का बाहर जा रहा है एंड वो ऐसा करेगा कल के टाइम पे, मतलब कि बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था भी ये बंदा कुछ लाइफ में करेगा। आज की डेट में मेरे फादर साहब, फर्स्ट इनकम मेरा मार्च में आया था 1,47,690 रुपीज़ मेरा फर्स्ट इनकम आया था 41 का। जिस दिन मेरा फर्स्ट इनकम आया था पूरे का पूरा अमाउंट मैंने बैंक से निकलवाया 1 लाख और अपने फादर के सामने मैं लेके गया और मैंने हाथ पे रखा और मैंने बोला ये मेरी मेहनत की कमाई है एंड मेरे पापा के आंखों से पानी निकल आया यार सही में, क्योंकि मेरे बात ये नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं देखा है, बट उन्होंने इतना पैसा कभी नहीं देखा, उनकी पूरी लाइफ ऐसे निकल गई है यार। मैं एक गाँव से उठ कर आया हूँ,
यहाँ से लोगों को लोग यही बोलते थे गांव के लड़के कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं प्रूफ करके दिखा सकते, आज हमने प्रूफ करके दिखाया। डेफिनेटली एक ऐसे लेवल से उठे हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिली है प्रॉपर तरीके से, बट आज की डेट में मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी एज के अंदर, मैं खुद चैलेंज करता हूँ, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी इनकम महीने की 10 लाख है, महीने की 10 लाख पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे पटियाला डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। पिछले महीने मेरा रिटर्न टैक्स 1 लाख आया, 1 लाख मेरा टैक्स आया गवर्नमेंट से। अब सोचो अगर महीने की मैं 10 लाख की बात नहीं करता हूँ, महीने की 8 लाख भी इनकम आती है, 8 लाख का 5% कितना होता है, 40,000 कितना होता है, 40,000 एक महीने का गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, मतलब कि जो रिटर्न टैक्स आईटीआर हमें रिटर्न होता है। अब खुद सोचो तुम एक साल का रिटर्न कितना बनता है, अगर एक महीने का 40,000 जा रहा है, एक साल की रिटर्न कितनी होगी, कुछ सोच के देखो। और उस रिटर्न का बेनिफिट्स क्या है, उस रिटर्न से तुम किसी भी गवर्नमेंट बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक, कहीं से भी लोन ले सकते हो, तुम्हें गवर्नमेंट बैंक चाहे प्राइवेट बैंक वो तुम्हें आराम से लोन दे सकता है। समझ आ रही है? क्योंकि हम एक बिल्कुल ही लीगल काम कर रहे हैं, डायरेक्शन ही, तो डेफिनेटली यार 8 लाख इनकम आने के बाद बंदे की लाइफ खुद सोचो तुम कितनी होगी। आज सेलिब्रिटी है, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं करते हैं, बट आज उन लोगों की लाइफ कैसी है, डेफिनेटली पैसे से चेंज हुई है। सेम चीज़ है यार, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था वो इतनी पोजीशन पे जा सकते हैं। हम 3 लोग आए थे यहाँ पे, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, ये मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे गाँव से हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में से हैं, जिनको मैं यहाँ पे लेके आया था। सेम चीज़ है, जब से ये आए हैं, ये पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और ये पर्सन फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में इसकी 6200, मैं एचआर में था और ये पर्सन 6248 रुपये में सैलरी पे काम करता था, मैं इसकी सैलरी बनाता था। ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था स्टार्टिंग से, इसको मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, आज ये पर्सन महीने का 1 लाख कमा रहा है, आज ये पर्सन महीने का 1 लाख कमा रहा है। जब मेरे ब्रदर मुझे यहाँ पे लेके आए, मुझे लगता था शायद इन लोग, इस पर्सन का कोई प्रॉफिट होगा, मेरे भाई का, मुझे लगता था शायद ये अपने लालच के लिए मुझे लेके आया, है ना। आज पता चलता है यार किसका बेनिफिट था, आज मैंने इतना कुछ बना लिया, आज अब 10 लाख इनकम आने वाली है। अब ऐसा नहीं है मैं 10 लाख में से या 8 लाख में से 50% अपने कज़न को दे रहा हूँ, तो कोई भी नहीं देता है। कल के टाइम पे आप लोग कमाओगे, आप 41 बनते हो, आपका इनकम 1 लाख होता है, एंड 50% आप उस इंसान को देने वाले नहीं हो जो इंसान आपको लेके आया। देन एक टाइम पे दिमाग में आती है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के बहुत क्लेवर बन रहा था, बाहर के लिए मैंने बहुत धक्के खाए, स्ट्रगल की है, एंड मैं यहाँ पे बैठा था और अपने हमें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे बहुत क्लेवर बन रहे थे, एंड आता कुछ नहीं था, मैं भी ऐसा था, मुझे आता कुछ नहीं था, बट अपने हमें बहुत हवा में भी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। एंड सीरियसली यार, एक प्लस टू वाले ने मेरी बोलती बंद कर दी थी, एक प्लस टू वाला फर्स्ट डे मुझे मिला था एडवाइज़र में, मैंने उसको बोला सर आप कितना कमाते हो, उसने बोला मुझे 5 मंथ हुए हैं और मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ। मैंने बोला सर 50,000 तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर नहीं कमाता, जिसको एचआर में 8-9 साल हो गए काम करते हुए। तो उन्होंने फिर बताया भी उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है, वो एक एम्प्लॉयड पर्सन है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, हम बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। समझ आ रही है? Yes, चीज़ है ब्रदर, ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज में समझ में भी नहीं आ रही होंगी, बट डे बाई डे करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। और लास्ट डे, जब तुम्हारा लास्ट डे हुआ ट्रेनिंग का, मे बी कल तुम्हारा लास्ट डे है, एंड लास्ट डे जो तुम्हारा सिस्टम होगा 10, एंड उसको सीखना एंड फिर फील करना, फिर मुझे देखना, फिर मुझे फील करना वो इंसान क्या बोल रहा है, एंड कल के सिस्टम के बाद। बहुत सारे लोग कुछ बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री डेफिनेटली आगे बढ़ रही है, लोग ब्लेमिंग भी करते हैं। ओके, हम फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बोलना है कुछ, आप बोल दो। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करूँगा इस पर्सन को, मे बी हम लोग एक ही गांव से हैं और हम इकट्ठे ही बिजनेस में आए, ओनली फॉर 6 दिन का डिफरेंस है, और आज ये पर्सन ड्यू कर मैं 41 भी हूँ। और खैर मैं यहाँ पे काम नहीं करता, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, मेरा गुड़गांव से थोड़ा आगे जाके राजस्थान के और हरियाणा के बॉर्डर है, मेरा खुद का ब्रांच है वहाँ पर। अफकोर्स रियलिटी बताऊँ कि मैंने भी बीटेक किया है, मेरा नाम मोनी शर्मा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर CSE से किया है। बीटेक करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे रहता, उससे पहले जॉब कर रहा था,
अच्छी जॉब कर रहा था, वो जॉब छोड़ के इस जगह पे आया और मे बी आज मेरे को 3.5 साल के करीब हो गए इस जगह पे। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अफकोर्स रियलिटी बताता हूँ, हम 3% है कि गाँव से, पर 3ों% के पास आज 4 गाड़ियाँ है, i20 है, गाड़ी सीनियर के पास है, क्रूज गाड़ी सीनियर के पास है, अफकोर्स जो विशाल सीनियर जिनको लेके आए थे मार्केट विशाल सिंह, अफकोर्स उनके पास है, अभी उन्होंने गाड़ी ली है स्विफ्ट LX टॉप मॉडल ली है और मेरे पास डिज़ायर गाड़ी है। सिंपल सी बात है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास कभी खुद की गाड़ी हो या हमारे पास कभी खुद का एक अच्छा अर्निंग इनकम होगा, या हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे फादर साहब कभी रिटायरमेंट भी लेंगे, कभी भी नहीं। बस एक ही चीज़ थी यार, कहीं अच्छा सा काम मिल जाए, बस अच्छा सा काम मिल जाए जहाँ पे डेली जाके बैठ जाए और अपने काम पे लगे। बट यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ सामने आई कि लोग किस फास्टनेस से आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा सा तो मैं आज के टाइम के बारे में बताना चाहूँगा जस्ट ऑफ 5 मिनट के लिए, कि आज आप लोग जिस जगह बैठे हो आप सोच के देखो कि यहाँ आने से पहले हम लोग क्या थे और आज यहाँ पे हमारा माइंड किस लेवल का है। तुम जिस बिजनेस में हो एक बहुत एडवांस बिजनेस है, मैं तुम्हें रेडी एक एडवेंचर है, डायरेक्ट से एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो फ्यूचर टाइम का शायद तुम में से कोई भी नहीं जानता कि तुम क्या, तुम्हारा स्टेटस क्या हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 25 ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड 70% जॉब आवर्स आर लॉस्ट, बिल्कुल टोटली लॉस्ट। यू नो व्हाट, व्हाट डू यू डू, क्या करोगे उस समय, आप खुद आप सोच सकते हो यहाँ से। और जब मैंने ये चीज़ें देखी ना तो ऑफकोर्स मेरे को खुद के ऊपर एक प्राउड फील हुआ कि यार ऑफकोर्स मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिसका फ्यूचर इतने स्केल तक जाने वाला है कि ऑफकोर्स कि मैं खुद नहीं सोच सकता कि आने वाले 10 साल के बाद मेरा कितना इनकम हो सकता है। और आप लकी पर्सन हो जो इंडिया कंट्री ये हो, यहाँ के रहने वाले आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, बहुत लकी पर्सन हो। जाना चाहते क्यों? जाना चाहते हो? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर की सबसे बिग मार्केट, सेकंड नंबर, और यहाँ पे अगर कोई भी इंसान मिट्टी का भी डिब्बे भर के बेचना चाहे ना, आपको उसको आराम से लोग ले लेंगे, आराम से। और हम लोग तो एक ऐसा ब्रांड सेल कर रहे हैं यार आपको, जिसकी हर एक इंसान को जरूरत है, हर एक इंसान को, एक छोटे बच्चे को भी, एक बूढ़े को भी, और एक मिडिल क्लास के जो बीच में पर्सन है, हर एक इंसान को जरूरत है। और सोचने की एक बात है, धीरे से थोड़ा सा डीपली सोचना, कि एक इंसान है जो बाहर के लाइफ में 150-200 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता है और 8-10 घंटे काम करता है, ऐसे होता ना। तो उसके बाद वो इंसान की घर की कंडीशन कैसी चल रही होती है, उसके बाद 2 टाइम का खाना अच्छा से नहीं बनता। बट रियलिटी छोटा सा देखा जाए, डीपली इसको सोचा जाए, कि अगर उसी की जगह इंसान 8,000 से एक जस्ट बिजनेस स्टार्ट करता है, लाइक फॉर 20 रैंक से बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते ही वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल, यहाँ पे जितने लोग बैठेंगे 1-1.5 साल वाले, 2 साल में लास्ट 2 साल के अंदर वो इंसान 41 बन जाता, उसका मंथली 1 लाख इनकम हो गया। अब सोचो कहाँ एक दिन का 365 दिन का मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर दो, वो जितना पैसा बनता है, उसके बाद 2 साल के बाद 1 साल का मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक सो उससे 10 गुना ज़्यादा बनेगा। समय आया नहीं है? Yes! तो उस बंदे का एक पहले वाला टाइम और एक आज वाला टाइम, दोनों में अगर एक दोनों पलड़े सेट रखोगे, ऑफकोर्स आज वाला टाइम तुम्हें हैवी और फ्यूचर में और भी ज़्यादा हैवी होता नजर आएगा। दैट्स फॉर मैंने क्या बोला, रेवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेल। इंडिया में डायरेक्ट सेल एक रेवोल्यूशन है और फ्यूचर टाइम में आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अमेरिका में 64% डायरेक्ट जो ड्राइविंग करते हैं पर्सन, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ऑफकोर्स उनको निकाल दिया गया 64% और उनकी जगह ना तो कोई रॉबर्ट है, ना कोई ब्राउन्स है, कुछ भी नहीं है, उनकी जगह खाली एक कार है जिसके अंदर आपको एक बार
लोकेशन और डेस्टिनेशन सेट करना है दैट आपको किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी छोड़ सकते। और यहाँ से एक चीज़ श्योर होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर इतने बड़े स्केल पे चला जाएगा कि यार हम जैसे लोग, और जो आज सोचो कि हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके गांव में आज एक बस भी नहीं आती, वो भी टाइम से आती है, वो भी नहीं आती। ऐसे ऐसे गांव भी हैं इंडिया में, समय आया नहीं है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जिस गांव में एक बस जाती है, दो बस जाती है, और दो बस जाने के बाद वही गांव में एक इंसान 1 लाख कमाने वाला बने, तुम्हें क्या लगता है वहां पे 4-5 बसें नहीं जा सकती? मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन होता क्या, समझ आया नहीं है? मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, ग्रोथ होता क्या और होती कैसी, समझ आया नहीं है? क्योंकि कोई भी काम आज के टाइम में तुम्हारा चलेगा सिर्फ दो चीजों के कारण, फर्स्टली योर अप्रोच, सेकंड योर मनी। अप्रोच है मनी नहीं है नहीं होगा, मनी है अप्रोच नहीं है तो नहीं होगा, दोनों होंगे तब होगा, समझ आया नहीं? और दोनों तब होंगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा, और पैसा तब होगा जब तुम्हारे पास सोर्स होगा पैसे का, और एक ऐसा सोर्स फ्यूचर टाइम में जहां से परमानेंट पर्टिकुलर पैसा आता हो। तुम्हें पता होगी नहीं यार, 2-4 लाख तो नॉर्मल है तो आएगा ही आएगा, लाइक फॉर ड्यूक्स इनम, इनको पता है कि यार मैं चाहे सोऊं, मैं चाहे जागूं, मैं जहां मर्जी घूमूं, दैट ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां मर्जी बैठा हूं, दैट महीने की 20-21 तारीख को मेरे अकाउंट में 8-10-12 लाख हो जाएगा। सेम आज की डेट में आप लोगों ने एक अच्छा एजुकेशन की है, आपने अभी स्टार्ट की है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट की है, अभी उनको पता भी नहीं है मैं कितना कमाऊंगा या कैसे कमाऊंगा। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज रिटायरमेंट ले चुके हैं, एंड आपकी एज में बहुत सारे लोग हमारी एज के अभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग रिटायर भी हो चुके हैं। सेम अभी मैंने अपने फादर साहब को भी फ्री कर दिया, मेरे फादर साहब रिटायर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपनी फैमिली पे डिपेंड है, यहाँ पे बैठे होंगे बहुत सारे लोग। मैंने खुद अपने फादर साहब को बिजनेस से, उनकी जॉब से, जो भी वो काम कर रहे हैं उनसे मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया, एंड आज मुझे इसकी सबसे बड़ी खुशी है, इस बिजनेस की वजह से और उस इंसान की वजह से जो मुझे लेके आया था। एंड आज मैं बहुत लाइफ में खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की फैमिली में जो मनी की प्रॉब्लम के कारण चीज़ें चल रही होती हैं, एंड आज मेरी फैमिली में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, एंड आने वाले टाइम में और ज़्यादा अपग्रेड करना है चीज़ों को, जैसे कि सेम आज आपको मौका मिला तो प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कल के सिस्टम को, और एन आगे बढ़ना। ओके तो स्टार्ट किया जाए, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाइए। जितने भी हम बैठे हैं मेरी तरफ से है।